हेलो नमस्कार दोस्तों, 20 मार्च 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन में स्टार्ट करते हैं। और आज का सबसे पहला जो आर्टिकल है वह है इंडिया, US और WTO के बारे में, जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। इस आर्टिकल में मैंने लिए बताया गया है कि WTO के अंदर USA गया है का इंडिया के अगेंस्ट कि भाई इंडिया है वो सही काम नहीं कर रहा है, इंडिया ट्रेड वगैरह को मैनिपुलेट है वो कर रहा है, क्या सीन है वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। इश्यू है वो है सब्सिडी का, कि WTO के अंदर US का ये कहना है कि भाई इंडिया है वो सब्सिडी ज़्यादा दे रहा है एक्सपोर्ट के ऊपर, जिसकी वजह से जो ट्रेड है वो मतलब प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इसमें फेयर माहौल वो नहीं बन पा रहा है। तो ये सारा इश्यू यहाँ पे आता है। बात आती है सबसे बड़ा मुद्दा तो वो यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम का। क्या होती है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, इसे हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। देखो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम में ये होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है एक्सपोर्ट मतलब निर्यात को बूस्ट करने के लिए क्या करती है, थोड़ी सब्सिडी वगैरह कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाती है ताकि जिससे एक्सपोर्ट हो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जैसे आपको पता है कि इंडिया में हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करती है कि उनको थोड़ी सब्सिडी देती है कस्टमर्स को, कि जैसे उनको कई बार टैक्सेस वगैरह में थोड़ी छूट मिलती है, इसके अलावा उनको कि टैक्स वगैरह पे नहीं करने होते हैं, उनके अलावा उनको वापस टैक्स वगैरह की वापस भी कंपनसेशन के रूप में भी टैक्स दिया जाता है। मतलब घुमा फिरा की बात ही होती है कि भाई इंडिया से जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट काफ़ी हथकंडे अपनाती है। तो अब देखो अगर प्रोडक्ट सस्ती रेट में बाहर जाएंगे तो अगर ऑब्वियसली आप एक चीज़ जानते हो सॉरी, अगर सस्ती रेट में प्रोडक्ट बाहर जा रहे हैं मतलब एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से, तो बाहर की कंट्रीज़ के ट्रेड वगैरह में थोड़ी बहुत दिक्कत है वो आती है, बट इससे इंडिया को भी फायदा होता है। इंडिया को देखो इससे कई चीज़ों में फायदा होता है कि कई बार क्या होता है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करती है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए प्रमोशन देती है, मतलब स्कीम वगैरह चलाती है। जिस प्रकार से हम कई बार प्रमोशन वगैरह में कोई चीज़ चली हुई होती है तो हम चीज़ें खरीदते हैं तो काफ़ी सस्ती मिलती है, सेम वही मेथड यहाँ पे होता है कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करना है, इसके लिए गवर्नमेंट थोड़ी इस तरीके की फैसिलिटी चलाती है ताकि एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग माहौल है वो बन जाए और इंपोर्ट को थोड़ा बहुत नुकसान होता है। कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो कम होगा, इसके साथ ही इंडिया का फॉरेन एजर है वो भी बढ़ेगा, तो वो सारे फायदे यहाँ पे होते हैं। अब इश्यू क्या है WTO के अंदर US कह रहा है कि भाई सब्सिडी बहुत ज्यादा दी जा रही है जिसकी वजह से उनका ट्रेड है वो फेयर नहीं रह पा रहा है, तो इस बात को लेकर आरोप है वो लगे हैं। तो यहाँ पे एक चीज हमें ये जाननी है कि WTO में एक प्रावधान है, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं WTO में कौन सा ऐसा प्रावधान है वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन GNP के बारे में। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि भाई जिस भी कंट्री में ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन है वो $1,000 होता है, वहाँ तक तो आप सब्सिडी दे सकते हो, बट जिस भी कंट्री ने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन है वो $1,000 से क्रॉस कर लिया है उस वो एक्चुअली सब्सिडी के दायरे में नहीं आता है, मतलब वो कंट्री सब्सिडी है वो नहीं दे सकती एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए। बट इंडिया ने $1,000 का जो टारगेट था उसे कभी कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट है वो सब्सिडी लगातार दी जा रही है, ऐसा US का कहना है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आते हैं कि भाई इसकी वजह से सारा माहौल है वो बिगड़ा। तो US कह रहा है कि भाई आपको सब्सिडी बंद करनी चाहिए ताकि जो ट्रेड है वो उसमें किसी तरीके से पार्शियलिटी वगैरह ना हो, तो उन सब के लिए WTO के अंदर इश्यू हो गया। इससे पहले भी US और WTO के अंदर इंडिया को सीट के लेके गया था, वो लेके गया था एक तो सोलर प्लेट्स के बारे में जो इश्यू था, मतलब सोलर एनर्जी के लिए जो प्लेट्स वगैरह यूज होती हैं सोलर पैनल उनके लिए गया था, तो वो सारे पॉइंट्स भी यहाँ पे आते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई GNP यहाँ पे होता क्या है, क्या सारा मुद्दा है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, बाकी सारे जो पॉइंट्स है डाटा वगैरह वो हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो नहीं होता है, बस ये चीज हमें ध्यान रखने की इश्यू है क्या। इसके बाद में देखते हैं अगला आर्टिकल। अगला जो आज का बड़ा जो मेन आर्टिकल है वो है डिफेंस फील्ड के बारे में। तो देखते हैं इस आर्टिकल में क्या, देखो इस आर्टिकल में मेनली इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है इसको डिस्कस किया गया है। इस आर्टिकल में सबसे पहले बात आती है वो आती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसकी एक रिपोर्ट आई थी भी, उस रिपोर्ट में एक आ गया था कि भाई पूरे विश्व में जितने भी वेपन्स वगैरह का जो इम्पोर्ट होता है ना उसमें इंडिया नंबर वन पे है, मतलब पूरे विश्व के जितने भी वेपन्स हैं उनके 12% जो वेपन है वो इंडिया अकेला इम्पोर्ट है वो करता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और ये बताया था कि पूरे विश्व में इंडिया सबसे ज़्यादा वेपन्स है उनको इंपोर्ट करता है, मतलब इंडिया नंबर वन पे वेपन इंपोर्टर है और पूरे विश्व के 12% वेपन्स को इंडिया के लिए इंपोर्ट है वो करता है। और इसी के साथ बात की जाए तो इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरे विश्व में देखा जाए तो 5वें नंबर पे लार्जेस्ट बजट की कैटेगरी में आता है, इवन जो UK यूनाइटेड किंगडम है उसको भी ये भी इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है डिफेंस बजट के मामले में। तो ये चीज़ तो आर्टिकल में दी गई है, मतलब ये डाटा तो यहाँ पे आता है। इसके बाद में बात आती है, इसको गया गया यहाँ पे गया गया क्रिटिसाइज कि भाई इतनी सब होने के बावजूद भी इंडिया के हालात हैं वो ठीक नहीं है। देखिए क्या क्या ठीक नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी थी इसके अंदर अभी हमारे जो डिफेंस सेक्टर के जो लीड है उन्होंने एक्चुअली ये कहा कि भाई इंडिया के पास मॉडर्न वेपन है उनकी काफ़ी कमी है और इंडिया का डिफेंस बजट है वो कम है। अब देखो आपको एक चीज़ समझ में ये नहीं आ रही होगी कि यार अभी तो कह रहे हैं कि इंडिया का डिफेंस बजट है वो 5वें नंबर पर लार्जेस्ट है और उसके बाद भी आप कह रहे हो कि डिफेंस बजट कम है, ऐसा कैसे हो सकता है। देखो बात ऐसी है, जो भी इंडिया की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जो बात कही गई थी वो इस ऐसे कही गई थी कि भाई अभी हमारे जो पड़ोसी देश है ना वो बड़े
ही हरामी है। मतलब हमारे पड़ोसियों के अकॉर्डिंग हम काफी पीछे रह रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि चाइना है, वो अपनी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है वो अपने डिफेंस सेक्टर पे खर्च करता है। पाकिस्तान है, वो तो आपको पता है कि उसका तो मेन मोटो ये ही है कि भाई जैसे भी कुछ भी हो जाए हमें तो सारा पैसा है वो डिफेंस सेक्टर पे खर्च करना है। तो मतलब उन वो दोनों कंट्री क्या करिए, काफी सारा पैसा डिफेंस सेक्टर पे खर्च करिए और हमें उन दोनों कंट्री से सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दोनों ही कंट्री हमारे दोनों साइड होती है और काफी लंबा बॉर्डर हम दोनों को टच करते हैं। ऐसा नहीं कि हम वो 2-4 किलोमीटर का बॉर्डर टच करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगी तो भी हम इसको मैनेज कर लेंगे। बात यहाँ पे आती है सिक्योरिटी कंसर्न की, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान है वो लगातार आतंकी हमले कर रहा होता है जम्मू एंड कश्मीर में, इवन पंजाब में भी देखा हमने, तो इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए वहाँ पे मॉडर्न वेपन की काफी जरूरत है वो है। इसके बाद में बात आती है कि देखिए अभी अभी इंडिया की जो आर्मी मिलिट्री है इसको नए 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 जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनकी भी जरूरत है, नए मॉडर्न से लेटेस्ट जो इक्विपमेंट है वो भी चाहिए। क्योंकि देखो आज के टाइम पे मॉडर्न जो लड़ाई है वो स्मार्ट लड़ाई होगी, ऐसे नहीं है कि आज के टाइम पे तीर भालों वाली लड़ाई नहीं रही है। तो आज के टाइम पे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होने चाहिए, जो गन वगैरह होनी चाहिए वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए, इवन जो टैंक वगैरह वो भी काफी अच्छी टेक्नोलॉजी के होने चाहिए, ताकि हम अगर फ्यूचर में कुछ भी ऐसी कंडीशन होती है तो हम उनका यूज है वो कर सकें। देखो वार होना है ना होना वो फ्यूचर की बात है, बट हमें पहले से प्रिपेयर तो रहना चाहिए ना। अगर हम पहले से प्रिपेयर नहीं है और हमारे पास इक्विपमेंट है और सारे खटारा टाइप के इक्विपमेंट है तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी वो कर पाएंगे। तो इसलिए काफी अहम हो जाता है कि भाई हमें हमारे डिफेंस सेक्टर पे थोड़ा फोकस और ज्यादा करना होगा। बात ऐसी आती है कि जो 21वीं सेंचुरी है वो आपको पता है कि इंडियन सेंचुरी है, मतलब 21वीं सेंचुरी में इंडिया है उसकी दुत्ती बोलने वाली है, क्योंकि एशिया की 21वीं शताब्दी वो एशिया के अंदर वो आने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि 21वीं शताब्दी है वो एशिया के अंदर इंडिया है उसी के अंदर रहने वाली है, ऐसी उम्मीद है वो की जा रही है। तो ऐसे माहौल में आपको पता है कि इंडिया के लिए काफी अहम हो जाता है कि भाई उसका डिफेंस सेक्टर वो और भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि वो बाकी कंट्रीज को एक तरीके से एक लेसन वो भी दे सके और जो अपने अपने जो पड़ोसी देश है 2-4 जो काफी हरामी भरी हरकतें करते हैं उनके ऊपर भी लगाम हो लगाए जा सके। तो इसलिए हमारे डिफेंस सेक्टर पर हमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना होगा। इसके बाद में बात की आती है कि देखो बॉर्डर सिक्योरिटी वो काफी अहम होती है, हम बॉर्डर सिक्योरिटी को नकार नहीं रहे कि हमें डिफेंस सेक्टर पर पैसा नहीं खर्च करना चाहिए, हमें पैसा खर्च करना चाहिए, हमें पैसा हमारी ट्रेनिंग सेक्टर पर भी देना चाहिए। इसके साथ काफी अहम बात होती है, देखो हमें पैसा तो खर्च करना ही करना है डिफेंस सेक्टर पर, बट एक चीज अहम वो आती है कि हमें ट्रेनिंग वगैरह की जैसी उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हम जो स्मार्ट वर्क है वो कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम पैसा ही पैसा खर्च करते रह जाएं और हमारी जो ट्रेनिंग वगैरह है आर्मी की वो पीछे रह जाए, हमें उन चीजों पे भी साथ फोकस करना चाहिए, एकदम हमें तैयार रहना चाहिए। और इसी के साथ हमारी इकोनॉमिक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब हमें इकोनॉमी को भी आगे लेके जाना है तो हमें उन इकोनॉमी के सेक्टर में भी पैसा इन्वेस्ट करना होगा, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह को भी बढ़ाना है। तो हमें एक बैलेंस अप्रोच है वो लेके चलनी है, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट उनको बढ़ाना है, ताकि हमें बाहर से जो वेपन्स है उनको इंपोर्ट ना करना पड़े। क्योंकि देखो अगर मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट चलेंगे तो उससे हमारी इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग होगी, हम वेपन को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और हमें आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी कि एक तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, इंडिया को भी पैसे मिलेंगे तो फॉरन रिजर्व बढ़ेगा और इंडिया को वेपन्स की जरूरत है वो काम भी खत्म हो जाएगा। तो एक के साथ काफी सारे काम से वो काफी सारे डायरेक्शन वो इंक्लूड हो जाएंगी, इसलिए हमें मेक इन इंडिया डिजिटल प्रोग्राम है उनको साथ लेते हुए चलते हुए हमारे जो डिफेंस सेक्टर की जो डिमांड है उनको फुलफिल है वो करना है। ये था कंप्लीट आर्टिकल, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पे आता है वो आता है नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। एनएमसी बिल है इस 2017 के बारे में जो यहाँ पे आर्टिकल है वो आया हुआ है। तो देखो बात ऐसी है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है उसकी उसका यहाँ पे मुद्दा है जिक्र वो किया जा रहा है कि भाई अभी हमारे देश में पहले क्या यूज कर रहा था वो हो रहा था नेशनल मेडिकल काउंसिल। तो अभी गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई नेशनल मेडिकल काउंसिल वो पुरानी बॉडी हो गई है, वो आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है, इसलिए नेशनल मेडिकल काउंसिल की जगह पर नेशनल मेडिकल कमीशन या मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया है उसका निर्माण है वो कर लेते हैं। ये सारा मुद्दा है और ये आपको ध्यान रखना है कि नेशनल मेडिकल कमीशन है वो बनाया जा रहा नीति आयोग की सुझाव के बाद में। नीति आयोग ने सुझाव दिया था कि भाई जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है ना, देखो ये कोई एक चीज तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो ये है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल पहले बॉडी काम कर रही थी और अब इसकी जगह बात की जा रही है कि नेशनल मेडिकल कमीशन है वो बनाया जाए। क्यों बनाया जाए? नीति आयोग ने बोला कि भाई जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है वो आज के टाइम पे रिलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये काफी पुरानी संस्था हो गई है और आज के टाइम पे देखो काफी सारे हमें मेडिकल सेक्टर में चेंजेस करने हैं, मतलब मेडिकल सेक्टर में काफ़ी सारे जैसे कि जो सिलेबस है उसको भी चेंज करना है, जो नए मेडिकल कॉलेज को एक तरीके से लाइसेंस वगैरह दिया जाता है उसमें भी काफ़ी सारी कमियां हैं, वहाँ पे भी काफ़ी धांधलीबाजी के आरोप हैं वो सामने आए थे। कई बार पार्शलिटी का आरोप लगता है कि प्राइवेट कॉलेज हैं उनसे पैसा ले लिया जाता है और उनके उनके ऊपर तो कोई ध्यान उनके ऊपर तो मैं ज़्यादा फोकस किया नहीं जाता, फिर मतलब उनके ऊपर जाँच वगैरह नहीं की जाती और गवर्नमेंट कॉलेजों के ऊपर जाँच की जाती है तो वो भेदभाव के आरोप वो लगते हैं। तो मतलब मेडिकल काउंसिल है उसके ऊपर काफ़ी आरोप लग रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि भाई हम मेडिकल कमीशन बनाएंगे। मेडिकल
कमीशन में होगा क्या, इस नए मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया में होगा कि भाई जो जो भी पर्सन इसमें इलेक्टेड होंगे या जो भी इसके मेंबर होंगे ना, जो भी इसके हेड वगैरह होंगे, वो सारे इलेक्ट होंगे। मतलब इसमें ऐसा किसी को है नहीं कि है किसी को अपॉइंट कर दे, इसमें प्रॉपर प्रोसीजर होगी ताकि भेदभाव वगैरह हो, कोई भी ट्रांसपेरेंसी है, सारे मुद्दे सामने आएंगे। मतलब एक तरीके से कोई भी जो पहले मेडिकल काउंसिल में कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए इसका निर्माण है, वो किया जा रहा है। इसके बारे में बात आती है एक बॉडी और, हुआ है इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के बारे में। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, मेडिकल एसोसिएशन का मतलब ये है कि भाई देखो, जो भी डॉक्टर्स हैं इंडिया में, उन्होंने एक अपना एसोसिएशन बना रखा है ताकि उनके इंटरेस्ट को भी सब हो किया जा सके। देखो किसी भी डॉक्टर का कोई भी, अगर कोई भी उनका कॉमन इश्यू होता है तो उसको अपने एक तरीके साथ सबके सामने बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए ना उनको। तो इसलिए जो जितने भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, उन्होंने एक अपना एसोसिएशन बनाया जिसका नाम है इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, जो 1928 में बना था। यह डॉक्टर के जो इंटरेस्ट है उनको सर्व करता है। तो अभी जो डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन, इसने विरोध किया कि भाई जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह आप मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया बना रहे हो, ये सही नहीं है, क्योंकि इनमें इन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे जो भी इंटरेस्ट है उनको यहाँ पे सर्व नहीं किया जा रहा है, मतलब हमें यहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इस बिल के, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल के, जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो हो सकते हैं, या जो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि भाई सीनियर के यूपीएससी पूछ सकते हैं सुझाव वगैरह के थ्रू। सबसे पहली बात आती है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट के बारे में देखते हैं। डीपीएसपी का आर्टिकल 47 क्या कहता है कि भाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक हेल्थ को सिक्योर करे। मतलब गवर्नमेंट का काम है कि लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना, और गवर्नमेंट लोगों को अच्छी हेल्थ है वो प्रोवाइड करेगी। तो ये काम होगा यहाँ पे स्टेट का, ये चीज़ सबसे पहली बात आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि डॉक्टरों को अपॉइंट करें, और जहाँ भी डॉक्टर्स की कमी है वहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या की बढ़ोतरी वो की जाए। अब बात ऐसी आती है कि हमारे देश में डॉक्टर और जो पॉपुलेशन का जो रेशियो देखा जाए वो बहुत कम है, और एक चीज़ सामने ये आ रही है कि जो डाटा है वो ऐसा है कि हमारे देश में अभी भी अप्रोक्सीमेट कम से कम 3 लाख डॉक्टर की एक अर्जेंट नीड है। मतलब कम से कम अभी हमारे देश में 3 लाख डॉक्टर होंगे तभी जो डॉक्टर और जो पॉपुलेशन का जो रेशियो है, जनता का जो रेशियो है, उसको कुछ हद तक मैनेज वो किया जा सकता है। मतलब कुछ हद तक ही मैनेज किया जाएगा जब 3 लाख डॉक्टर आ जाएंगे। और बात देखी जाए तो रूरल एरिया में डॉक्टर के हालात तो और भी खराब है। देखो ये चीज़ तो हमने पहले भी डिस्कस की है कि रूरल एरिया के अंदर डॉक्टर वो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें लगता है कि इतनी इनकम नहीं होने वाली है। और कुछ रीजन्स तो कई बार ऐसे होते हैं कि डॉक्टर लगते हैं कि यार वहाँ पे साइड इनकम तो होने वाली है नहीं, वहाँ पे फालतू में बोर हो जाएंगे, वहाँ पे फैसिलिटी नहीं रहेंगी, तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए डॉक्टर रूरल एरिया में जाने से कतराते हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारे देश के, आपको पता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन है 69-70% जो पॉपुलेशन है वो रहती है रूरल एरिया में। मतलब 70% जो पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेट, इसके पास डॉक्टर्स की एक्सेस वो नहीं है। तो इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि एक तो रूरल एरिया में वो लोग हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, अवेयरनेस का इशू रहता है, इसी के साथ वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं है। तो मतलब अगर उनको वहाँ पे कोई डिजीज वगैरह होगी तो उसके बारे में पता नहीं चल पाता है गवर्नमेंट को, और कई बार तो वो महामारी का रूप है वहाँ पे ले लेती है, और काफ़ी लोगों की जानें वो चली जाती हैं। मतलब बात साफ ये है कि हमें प्राइमरी लेवल के जो हेल्थ केयर है रूरल एरिया में, वहाँ पे फोकस करना होगा ताकि जो भी वहाँ पे इश्यूज हैं उनको दूर किया जा सके। इसके लिए सबसे बड़ा प्रावधान क्या होगा, इसके लिए सबसे बड़ा प्रावधान ही किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा कि जो रूरल एरिया में डॉक्टर्स हैं उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स की जाए। मतलब रूरल एरिया के अंदर गवर्नमेंट के ये प्रावधान किया जाए कि भाई कोई भी डॉक्टर बन रहा है उसको कम से कम 5 साल या 2 साल आपको रूरल एरिया में जो जॉब है या रूरल एरिया में सर्विस हो आपको देनी ही होगी, इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे शहरों में आप शिफ्ट हो सकते हो। देखो एक डाटा कुछ ऐसे सामने आए कि अभी हमारे देश के जो 21% डॉक्टर है ना, वो रूरल एरिया में 69% जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो मतलब देख सकते हो किस तरीके से असमानता वो बढ़ती जा रही है। 69% पॉपुलेशन है, उसको केवल 21% डॉक्टर है वो सर्व कर रहे हैं, जबकि शहरों में देखा जाए तो शहरों में कितनी पॉपुलेशन बच गई, यहाँ पे पॉपुलेशन बच गई 31%, और शहरों में जो 31% जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे डॉक्टर है वो कर रहे हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 79% के पास। तो मतलब काफ़ी अनइक्वलिटी है, शहरों में डॉक्टरों की कमी नहीं है और रूरल एरिया में डॉक्टरों की कमी ही कमी है। इसके बाद में बात एक इंटरेस्टिंग डाटा सामने ही आता है कि अभी है देखा जाए तो हमारा देश वो मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर में हब बनता जा रहा है। मतलब इंडिया के अंदर आपने देखा है काफ़ी बार फॉरेन से जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं मेनली, वहाँ से काफ़ी लोग आते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए। तो यहाँ पे राइटर इस चीज़ को थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। राइटर का देखो ऐसा कहना है कि भाई गवर्नमेंट है वो इंडिया के लोगों की तो हेल्थ है उसको सिक्योर कर नहीं पा रही है, और बाहर के लोगों को बुला बुला के उनकी हेल्थ है वो सिक्योर कर रही है। तो मतलब हमारे देश के लोगों का तो कुछ हुआ नहीं, बाकी बाहर के लोगों को आप हेल्थ है वो प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। हमें सबसे पहले हमारे देश के जो लोग हैं उनकी जो हेल्थ है उसको करना है, इसके बाद ही हमें मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट है वो करना है। मतलब हमें हमारे देश में क्वालिटी का जो ट्रीटमेंट है उसको बूस्ट करना है, इसका क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी है, मतलब डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ानी है, क्वालिटी भी इंक्रीज करनी है ताकि जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा ये आता है कई बार कि देखो जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनकी कई बार काफ़ी ज़्यादा फीस होती है इन प्राइवेट कॉलेजेस की, तो वहाँ पे काफ़ी करप्शन वगैरह के केसेस भी सामने आते हैं। तो इससे माहौल में क्या होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, कई बार वो क्या सोचते हैं, आप केवल प्रॉफिट का ही सोचते हैं कि यार जैसे एक बार मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो सबसे पहले तो मैं अपनी पॉकेट भरूंगा, जो मेरा
खर्चा लगा है 1 करोड़ 2 करोड़, उसको वसूलूंगा, इसके बाद आगे क्या देखूंगा। तो स्टार्टिंग में क्या करते हैं वो डॉक्टर्स, केवल अपनी मनमर्जी या मनमाने तरीके से पैसे वसूलते हैं, तो कहीं ना कहीं DPSP के खिलाफ है। और वो स्टेट जो गवर्नमेंट का काम है, जो डॉक्टर्स की सॉरी जो काम है कि भाई लोगों की हेल्थ है उसको सिक्योर करना, उसको वो कहीं ना कहीं उल्लंघन है वो कर रहे हैं। इसके बाद में एक डाटा ये दिया गया है कि भी हमारे देश में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो मतलब आज के टाइम पे काफी अनरिलेवेंट बात है कि भाई इन तीन स्टेटों में तो ऐसा सीन होगा कि वहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज ही नहीं है, तो यहाँ के बच्चे क्या करेंगे। यहाँ के बच्चों को ऑब्वियसली किसी दूसरी स्टेट में जाना होगा, तो मतलब वहाँ पे गवर्नमेंट को मेडिकल कॉलेज है वो बढ़ानी होंगी, बढ़ानी क्या मेडिकल कॉलेज है वो बनानी होंगी, ताकि वो जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। देखो गवर्नमेंट को मेडिकल कॉलेज है वो बढ़ानी होंगी, उसका सीटें हैं उनको भी इंक्रीज है वो करना होगा। इसके बाद में बात ये आती है, गवर्नमेंट ने एक ये प्रावधान रखा था इस बिल में कि भाई जो आयुष है, आयुष में क्या है, आयुर्वेदा भी आता है, योगा भी आता है, यूनानी भी आता है, सिद्धा और होम्योपैथी। आयुष की हेल्प से गवर्नमेंट ने रखा कि भाई जो जो प्राइवेट सॉरी आयुष की हेल्प से गवर्नमेंट ने प्रावधान रखा है कि जो भी डॉक्टर्स हैं उनको रूरल एरिया में एक तरीके से अपॉइंटमेंट है वो की जाएगी। इसके साथ ही उनको थोड़ा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएंगे, ताकि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनका वो यूज करते हुए थोड़े जो भी लोगों के ट्रीटमेंट वगैरह है उसको सिक्योर किया जा सके। क्योंकि देखो आपको पता है कि रूरल एरिया में आयुर्वेदिक वगैरह की काफ़ी वैल्यू होती है, तो वहाँ के उस अगर उस एरिया में जो भी नॉर्मल डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं या फिर जो कंपाउंडर वगैरह रहते हैं, उन लोगों को अगर थोड़ा वो ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा के और उनको थोड़ी बहुत एक तरीके से ट्रेनिंग दे दी जाए कि आप नॉर्मल जैसे कोल्ड वगैरह हो गया या फिर कोई और डिजीज होगी उस कंडीशन में आप ये मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवा सकते हो, ताकि वो हेल्थ को सिक्योर कर सकें। तो ये सारे इस बिल में प्रावधान किए गए हैं। और नॉर्मली इसी चीज़ को इस बिल में क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई जो और बाकी जो छोटे होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स हैं या फिर जो कंपाउंडर वगैरह हैं, अगर आप उनको ट्रेनिंग दे दोगे तो जो मेन जो MBBS के डॉक्टर हैं उनका क्या होगा, मतलब उनके कौन सीनियर होंगे। तो ये सारा मुद्दा यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, वो अभी देखो हमारे लिए काम का नहीं है। अभी हमारे लिए जो सुझाव वगैरह इंपॉर्टेंट बिल है वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में, इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में। तो ये चीज आपको यहाँ पे 2-3 पॉइंट है वो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सबसे पहले तो हम उनको देख लेते हैं, क्योंकि हम डिस्कस भी किया है पहले इस वीडियो को कि भाई जो इंडिया की न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है वो बनाई जा रही है तमिलनाडु के बोधी हिल्स में। इसकी लोकेशन हमने देखी थी कि मेनली तमिलनाडु, जैसे ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे ऐसे ऐसे तमिलनाडु है और यहाँ पे छोटा सा ऐसा यहाँ पे है केरला ऐसे, तो तमिलनाडु और जो केरला का जो बॉर्डर वाला ये वाला एरिया इसमें है यहाँ पे बोधी हिल्स, और इस वाले हिल्स के अंदर न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बनाने की बात है। बट इश्यू क्या था, इश्यू ये था NGT नेशनल ग्रीन लॉ ट्रिब्यूनल है उसने मना कर दिया था कि भाई यहाँ पे इन्वायरमेंट क्लियरेंस वो आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि ये इको सेंसिटिव जोन है वो आता है यहाँ पे, मतलब ESZ जोन आता है यहाँ पे, एक तरीके से आप जो इस तरह की ऑब्जर्वेटरी है वो स्टेबल नहीं कर सकते। इसमें एक ये चीज आपको ध्यान रखना कि बोधी हिल्स के अंदर ये अंडरग्राउंड लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी ऑब्जर्वेटरी अप्रोक्सीमेट 1300 मीटर नीचे, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो बोधी हिल्स यहाँ पे नेशनल पार्क आता है वो आता है यहाँ पे मेथिकेथन सोला नेशनल पार्क जो आता है केरला में, तो ये नेशनल पार्क ही आता है केरला में, मतलब ये वाला एरिया थोड़ा बहुत जो होता है केरला वाले एरिया में भी और ये आता है तमिलनाडु वाले बॉर्डर वाले एरिया में, तो इसलिए यहाँ पे काफी विवाद है वो उठ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे काफी सारे इशूज हैं वो आ रहे हैं। तो अभी कंटेक्स्ट यही था, इसकी वजह से आर्टिकल है कि भाई जो गवर्नमेंट की इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने इसको क्लियरेंस है वो दे दिया है। तो फिर भी यहाँ पे आर्टिकल ये कह रहा है कि गवर्नमेंट की जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है उसने तो क्लियरेंस दे दिया है कि भाई हमारे देश के लिए इस ऑब्जर्वेटरी की काफी जरूरत है। देखो आपको थोड़ा बता दूं न्यूट्रिनो के बारे में, न्यूट्रो मैनली एक तरह के सब एटम्स पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं, मतलब होता क्या है इसमें, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी परमाणु होता है उसके अंदर आपको पता है कि जैसे कि प्रोटॉन होता है न्यूट्रॉन होता है, उसी तरीके से जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी है तो इनका द्रव्यमान वो बहुत कम होता है। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रिनो है वो हमारी बॉडी को एक तरीके से मतलब भेज सकते हैं, मतलब इनमें ऐसा नहीं, इनका वेट बहुत कम होता है और ये ग्रेविटी के अकॉर्डिंग भी नहीं चलते, मतलब ग्रेविटी का इनको इफेक्ट नहीं होता है, काफ़ी लाइट वेट होने के नाते क्या होता है ये किसी भी इंसान या किसी भी दीवार वगैरह को आराम से भेज सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्यूट्रिनो है वो दीवार वगैरह या ह्यूमन बॉडी वगैरह को आराम से भेज इधर से उधर क्रॉस कर लेते हैं, तो इनसे कोई नुकसान है वो नहीं होता है, अभी तक की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये डाटा सामने आया है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि भी जो INO है इसको एक्चुअली एनवायरमेंट मिनिस्टर ने तो क्लियरेंस वो दे दिया है, बट यहाँ पे देखा जाए तो अभी भी इसको क्लियरेंस लेता है वो लेना है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा, इसे अनुमति है वो लेनी है, जब तो यहाँ से अनुमति मिल जाएगी इसके साथ ही इसी को अनुमति लेनी है वो लेनी है नेशनल तमिलनाडु पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा, ताकि वहाँ पे कोई पॉल्यूशन वगैरह तो नहीं होगा। तो इन सब के द्वारा अनुमति लेने के बाद ही इस वाले एरिया में जो ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है ये स्थापित की जाएगी, ताकि न्यूट्रिनो के बारे में और भी जो रिसर्च वगैरह वो की जा सके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है यहाँ पे शिमला समझौते के बारे में। तो इस आर्टिकल में क्या हुआ हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस आर्टिकल में मैंने देखो 1-2 पॉइंट है वो बताया गया, आपको बता दूं शिमला समझौता क्या हुआ था पहले तो ये ध्यान रखना है 1972 में
जब इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो वार हुआ था 1971 में, उस टाइम पे इंडिया जीता था, उस टाइम पे ये हुआ था अगले साल। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि भाई देखो, शिमला समझौता का जो इंडिया फायदा उठा सकता था ना, वो इंडिया ने फायदा नहीं उठाया, और आज उसकी वजह से इंडिया को काफी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखो आपको एक चीज बता दूं, जब भी दो देशों के बीच में, जब भी दो पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है, तो क्या होता है, एक पार्टी जीतती है और एक हारती है। तो हारती है वो क्या करती है, नेगोशिएशन करती है, मतलब वो कई बार उसको मान्य माननी पड़ती है, और जीतने वाले पार्टी क्या करती है, अपनी मनमर्जियां अपने अकॉर्डिंग शर्तें वो रखती हैं। तो ये वाला सीन होता है। तो आर्टिकल यहाँ पे कह रहे हैं कि 1972 का जो शिमला समझौता हुआ था वो इंडिया के फेवर में था, मतलब इंडिया जो चाहता था अपनी बातें था वो मनवा सकता था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया के पास देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट पाकिस्तान के 93,000, मतलब 93,000 देखा जाए, अप्रोक्सीमेट 1 लाख ही हो गए, 1 लाख के आसपास जो सोल्जर्स थे वो कैद में थे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी कि उस टाइम पे इतने कैदी इंडिया के पास थे, और उस टाइम पे इंडिया ने अपनी बातें हैं वो आराम से एक तरीके से नेगोशिएशन वो कर सकता था, मतलब इंडिया अपनी बातें वो पाकिस्तान से मनवा सकता था उस टाइम पे। यहाँ कौन सी बात की जा रही है, वो यहाँ पे बात की जा रही है जम्मू एंड कश्मीर के इशू पे, कि भाई अगर इंडिया उस टाइम पे चाहता, या मतलब इंदिरा गांधी उस टाइम पे चाहती, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू था उसको सोल्व कर सकते थे, उस पर नेगोशिएशन वो उस टाइम पे करवाए जा सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान उस टाइम पे हार गया था, तो पाकिस्तान ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कंडीशन मानने उस टाइम पे मानता ही मानता, और उस टाइम जो इंडिया ने मानने बातें मनवाई थी वो मानी भी थी, तो इंडिया उस चीज का फायदा उस टाइम पे उठा सकता था, बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। बस ये बात इस आर्टिकल में की गई, इसके अलावा कोई बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि शिमला समझौता किस किसके बीच में हुआ था। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है इंडिया और फ्रांस के बारे में, इस आर्टिकल में देखो एक चीज पे फोकस किया गया है कि जो फ्रांस के प्रधानमंत्री वो इंडिया विजिट पे आए थे मैक्रोन, उन्होंने एक्चुअली काफी एमओयूज वगैरह वो इंडिया के साथ साइन किए, और बट यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है इस आर्टिकल में, वो फोकस किया जा रहा है नॉलेज सबमिट के बारे में। देखो नॉलेज सबमिट के अंदर काफी सारी बातें की गई थी, और मेनली ये फोकस किया गया था कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो स्टूडेंट का वीजा वगैरह उसको अनुमति दी जाए ढंग से, और जो आपस में एजुकेशन का एरिया है उसमें ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को बूस्ट किया जाए, मतलब स्टूडेंट वगैरह वो आराम से फ्रांस वगैरह जा सके और वहां पे अपनी रिसर्च वगैरह कंप्लीट कर सके। इसमें एक डाटा सामने आया था कि जो नॉलेज सबमिट में एक बात ये डाटा वगैरह था थोड़ा, वो ये था कि हमारे देश में 5 लाख इंडिया के स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बाहर की कंट्रीज, मतलब यूएस हुआ, यूके हुआ, या यूरोपियन यूनियन की जैसी कंट्रीज हुई, वहां से हर साल 5 लाख ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक्चुअली वहां पे स्टडी वगैरह करते हैं अब्रोड वगैरह से। ये सारा डाटा सामने यहाँ पे आया था। तो एक चीज यहाँ पे इसमें ये डाटा में भी ये चीज निकले सामने आई थी कि यूएस से सबसे ज्यादा स्टूडेंट है वो आते हैं इंडिया में, मतलब इंडिया के जो स्टूडेंट है वो मैक्सिमम यूएस में जाते हैं, वहां से हायर स्टडी करके फिर आते हैं, फिर या यूके में जाते हैं, बट देखा जाए तो फ्रांस में काफी कम स्टूडेंट जाते हैं। जबकि देखा एक डाटा ये था कि चाइना के जो मैक्सिमम स्टूडेंट हैं वो फ्रांस जाके स्टडी करके आते हैं। तो आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया कि भाई इंडिया को भी अपने फ्रांस के साथ टाइज वो बढ़ाने चाहिए, और जो फ्रांस की रिसर्च वो काफी अच्छी है, तो इंडिया को वर्ल्ड क्लास जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बूस्ट करना होगा, इसी के साथ ही फ्रांस के अंदर जो यूनिवर्सिटी टाइज है वो बढ़ाने होंगे, मतलब इंडिया और फ्रांस की यूनिवर्सिटी के बीच में कोलाब्रेशन करना होगा, सहयोग करना होगा, टाइज बढ़ाने होंगे, ताकि इंडिया के जो स्टूडेंट है वो फ्रांस की यूनिवर्सिटी में जाकर स्टडी कर सके, और फ्रांस का जो स्टाफ है वो इंडिया की कॉलेजेस वगैरह में आ सके, और वहाँ पर अपनी जो स्टडी है रिसर्च वगैरह को थोड़ी हेल्प वो की जा सके। इससे फायदा होगा कि हमारे देश का भी जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम है वो बढ़ेगा, और हमें काफी ज्यादा फायदा होगा कि हमारे देश की रिसर्च वगैरह भी बूस्ट होगी, और इंडिया के अगर देखो फॉरेन कंट्रीज के साइंटिस्ट या फॉरेन कंट्रीज जो प्रोफेसर हैं वो इंडिया में आके स्टडी करवाएंगे, तो इंडिया के काफी सारे स्टूडेंट को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ताकि वो अपना जो खर्चा है कई बार वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उस कंडीशन में इंडिया में रिसर्च भी बढ़ेगी और यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी टाइज है वो भी बढ़ेंगे। तो ये सारे पॉइंट इस आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं। तो देखो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, और सॉरी फॉर मॉर्निंग के लिए, क्योंकि आज मॉर्निंग में टेक्निकल इश्यू की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। तो फिलहाल की डिस्कशन यही है।